आप ये तस्वीरें फिलहाल इस समय देख सकते हैं, पुलिस चौकी बाल छप्पर थाना छप्पर, थाना छप्पर के थाने के अंडर ये फिलहाल आती है। और अंदर मैं आपको बता दूं, एक टेम्परेली जो है चौकी यहाँ पर बनाई गई थी, पुलिस चौकी बाल छप्पर थाना के अंतर्गत। और फिलहाल वाल्मीकि मंदिर की यह जगह है और लोगों का यहाँ पर विरोध है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर कब्जा करके बैठा हुआ है। क्या कुछ फिलहाल आरोप इस समय यहाँ पर लग रहे हैं, सामने देख सकते हैं आप तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल भीड़ यहाँ पर लग चुकी है। क्या कुछ पूरा मामला रहा है? जी बिल्कुल, दुनिया तो की बुढ़िया हमारी बरसात में भरी पड़ी रही, हमने धर्मशाला खाली नहीं मिली। हाँ जी, यह प्रबंध खाली होना चाहिए धर्मशाला। पुलिस प्रशासन की तरफ से माता जी, क्या नाम है आपका? शेरोवा जी। क्या दिक्कत हो रही है पुलिस की? मन यो दिक्कत है जी, मारा गया रे, मारा दूत लग रहे चमारा पते, और मारी इन पुलिस वाले ने रुद्र किया है जी धर्मशाला जी। हाँ जी, नमस्कार जी। ये यहाँ वाल्मीकि मंदिर में चौकी खुलवाई गई थी और समस्या के मिलने में जो है, जो हमारा बरसात का पानी हमारे गरीबों के घर में बढ़ा, अमीर के पास है कि हमें यहाँ कमरा दो, तो इन्होंने कमरा देने से इनकार कर दिया, बोले यहाँ आके तो दिखाओ आप एक बार। तो हम DSP के पास पेश हुए वाल्मीकि जयंती प्रकट दिवस के लिए, तो वहाँ से हम SP के पास भी गए, DSP के पास भी गए, उन्होंने मार करके SHO को बोल दिया। SHO से आज हम जो है यहाँ से यार प्रकट हुए, यहाँ से आज इकट्ठे हुए यहाँ। हाँ, तो क्या कहा है आपने पुलिस से? वह पुलिस के आज 19 तारीख गए थे जी हम पुलिस के पास, DSP के पास, तो DSP साहब ने बोला कि वाल्मीकि प्रकट कर लो, उसके बाद हम चौकी उठवा देंगे यहाँ से। तो आज देखो श्रीमान जी, कई दिन हो गए प्रकट दिवस को भी, अभी तक चौकी उठवाई गई है यहाँ से, और हमने ना प्रकट दिवस मनाया। और ऐसे मंदिर पड़े देखो जी, दिखा दे एक बार श्रीमान जी कैमरा, किसकी जगह है? सरकारी जगह? ये सरकार की जगह नहीं जी, अपनी जगह है, वाल्मीकि मंदिर की जगह है जी, अपनी जगह है जी। वाल्मीकि जगह है, परेशानी आ रही है पुलिस मान्य, सारी परेशानी है, लंगर बिंदी अभी सर कुछ पीपी का शराब यहाँ मुत्ता जी, अंडा मीट खा रहे जी यहाँ से ने, और शराब पीपी का यहाँ मुत्ता जी, गद्दे ना यहाँ झंडे के ऊपर लगाए थे यहाँ खा रहे हैं पुलिस वाले जी, पुलिस वाले इंसान साहब। हाँ जी, झूठे बर्तन रखा ही, झूठे बर्तन झंडे के ऊपर, बच्चा बच्चा पूरा मुर्गा मच्छी सारा कुछ बनाया जा जी, सांझ ने यार दारू डेली चला जी, अपने जी ने सारे मार तो दारू जड़े पड़े जी, जितने कमाने डैडी वाले सारे अपने उरी पड़ा रहे, गल्लो पीवा ने, गल्लो मीट खावा, गल्लो दारू पीवा जी ने, हैं हम तो जड़े पड़े। सरपंच साहब बोलता है कि जहां जहां जिसके पास जो, मैं चौकी खाली नहीं कराऊंगा यहां से। हां जी हां, सरपंच भी कह रहे जो कर लो आप, सरपंच कह रहे जो आप कर लो, चौकी नहीं उठती आपकी, आपकी क्या मांग है? हमारी तो मांग कर रहे हैं चौकी साफ होनी चाहिए, जैसी पहले वैसी रहनी चाहिए, हमें मंदिर खाली चाहिए यहाँ से, चौकी जहाँ मर्जी रखो सरपंच, क्या अपने घर लेके जाए। कितने दिन हो चुके यहाँ? एक वर्ष होगा जी, एक साल हो गया, दो दिन वास्ता मांगी थी, एक साल हो गया, दो दिन के वास्ता थी। तो देख सकते हैं पुलिस के साथ जो फिलहाल इस समय बहस यहाँ पर कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है, देख सकते हैं तस्वीरें। झूठे बर्तन इंसान साहब है हमारा, उसके ऊपर रखा मैंने प्रशासन के मंदिर, मंदिर के बाहर ही आपने बिना पूछे बैठे, बैठे थे इलेक्शन के टाइम में, हर जगह बंदे बैठते हैं, अफसर देश देंगे हम, बिठा लेंगे, कोई हमारी परमानेंट थोड़ी है, हमारे को तो देखो अफसरों ने बिठाया है, फिर अफसर देश देंगे वो भी तो बैठे, हम तो उसी टाइम बिठा लेंगे, खाली कर देंगे। तो देख सकते हैं पार्चा साहब क्या कुछ पूरी बातचीत कर रहे हैं। पार्चा जी, क्या मामला हुआ है? हाँ, मैं यहाँ बोल लूँगा, क्या मामला हुआ है? ऐसा है पंचायती इलेक्शन में, ये हम इस टाइम यहाँ खड़े हैं यमुनानगर के बाल छप्पर गाँव में, पंचायती इलेक्शन में यहाँ कोई झगड़ा हुआ था और दो गुटों की आपस में गोली चल गई थी, जिस कारण पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को मुहैया कराते हुए यहाँ गांव बाल छप्पर में वाल्मीकि मंदिर में पुलिस चौकी खोल दी थी अस्थायी रूप से। और ये जो पुलिस कर्मचारी है यहाँ, इन लोगों ने वाल्मीकि मंदिर की पवित्रता को भंग करवा, ये लोग यहाँ पे मीट खाते हैं, यहाँ पे शराब पीते हैं, और ये बाथरूम में ना जाकर नशे के
आलम में मंदिर के आगे ही पेशाब करते हैं। यहाँ वाल्मीकि मंदिर की पवित्रता भंग की है पुलिस ने, और वाल्मीकि समाज इस बात को सहन नहीं करेगा। आज या तो ये पुलिस वाले इस धर्मशाला को मंदिर को खाली करेंगे, पवित्रता बहाल करेंगे, नहीं तो आज ये वाल्मीकि समाज यहाँ दरी डाल के अनिश्चितकालीन धरने पे अभी बैठेगा। क्या आप अफसरों से बातचीत हुई? आज हमारी थाना संबंधित एसएचओ से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं मौके पाऊंगा। हमने सुबह से अब तक एसएचओ साहब की इंतजार किया, एसएचओ साहब जब यहाँ नहीं आए तो उनकी इंतजार करके हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए समाज के लोग। यहाँ अभी 28 अक्टूबर का था, 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को वाल्मीकि प्रकट दिवस था। इन लोगों ने यहाँ मत्था टेकने के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, यहाँ भंडारा नहीं हुआ और भगवान वाल्मीकि जी के यहाँ पूजन अर्चना नहीं हुई है पुलिस की गंदगी के कारण। तो क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन? हम तो ये मांग कर रहे हैं कि मंदिर की पवित्रता बहाल की जाए। पुलिस का क्या, आप पुलिस का क्या कहना है, आप यहाँ पर क्या विवाद चल रहा है? यहाँ पुलिस वाले कह रहा भी हम उच्च अधिकारी कहेंगे हम उठ के चले जाएंगे। ये वाल्मीकि मंदिर है, आप देख लो, ये वाल्मीकि मंदिर है, आप देखो तो देख सकते हैं वाल्मीकि मंदिर तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इनका आरोप पुलिस को लेकर काफी गंभीर है। और ये देखो, ये यहाँ पुलिस बैठी है और ये लोग अंदर से निकलते हैं, यहाँ बाथरूम करते हैं रात को नशे के उसमें, और यहाँ मंदिर की पवित्रता भंग की है इन पुलिस वालों ने, और इसको हम वाल्मीकि समाज के लोग सहन नहीं करेंगे। इन लोगों ने एसपी साहब को रिक्वेस्ट कर ली, डीसी साहब को रिक्वेस्ट कर ली, एसएचओ साहब को रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। आज बिल्कुल हार थक के जब पानी सिर के ऊपर आ गया, तो आज हमने यहाँ प्रदर्शन के लिए समाज को आह्वान, यहाँ के चौकी इंचार्ज सरपंच जी, ये राम मेहर, राम मेहर है, राम मेहर है। तो आरोप काफी गंभीर लगा रहे हैं आप। ये पूरा पूरा समाज के लोग जो लोग यहाँ रहते हैं, इन लोगों ने अपनी आंखों देखा है, इनको यहाँ शराब पीते हुए, यहाँ मीट खाते हुए, यहाँ गंदे पे गद्दे रखा जी, वाल्मीकि मंदिर के सामने टॉयलेट कर दिया, गद्दे के ऊपर टॉयलेट कर दिया और झंडे के ऊपर यहाँ सुखाने के लिए रख दिए निशान साहब के ऊपर, ऐसा करते हैं जी दारू पी के। तो देख सकते हैं तमाम यहाँ पर पुलिस का विरोध इस समय चल रहा है, और आरोप काफ़ी गंभीर यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरें, राम मेहर जी खड़े हैं चौकी इंचार्ज, क्योंकि आरोप काफ़ी गंभीर यहाँ पर पुलिस पर लगाए जा रहे हैं। और बातचीत एक बार कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे मेहर सिंह जी? आरोप काफ़ी गंभीर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर पवित्रता भंग की जा रही है पुलिस वालों की तरफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं तो अभी 2-4 महीने है, उसके बाद तो कोई वो नहीं है, पहले बात थी। वो कह रहे हैं बाथरूम करते हैं पुलिस कर्मचारी इस तरीके, ऐसे तो थोड़ी है, कोई ना समझ है, हम भी धर्म को मानने वाले हैं, हम ऐसे क्यों वो भंग करेंगे? हमें नहीं पता है सबका होता है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो आरोप बेबुनियाद आरोप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी, या तो कोई प्रूफ दे भी यहाँ किसी, ऐसा कोई नहीं है। बाकी भंडारा तक नहीं करने दिया? नहीं जी नहीं, किसी ने नहीं रोका, यहाँ किसी ने नहीं रोका, ये पूछ लो इनको भी, हमने कोई नहीं रोका, अभी करो भंडारा देखो सबका। तो क्या क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर जो ग्रामवासी? ग्रामवासी कह रहे हैं अभी ये चौकी इनका मंदिर है खाली करो जी। तो हमने कहा भी एसएचओ साहब आ रहे हैं, अफसर आएंगे, अफसर हमारे को आदेश देंगे तो हम खाली कर देंगे जी, ठीक है ना जी? जी जी। तो मेहर सिंह मेहर जी थे, तो इनका ये कहना था कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, पर लेकिन अभी जो मेन खाली कराने को लेकर वाल्मीकि समाज की यहाँ पर मांग उठती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, बाल छप्पर थाना में मांग कहीं ना कहीं उठती हुई दिखाई दे रही है। मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। देख सकते हैं तस्वीरें, ये तो कह रहे हैं कि हम कोई बाथरूम कोई अपवित्रता नहीं फैला रहे, पुलिस वाले कह रहे हैं। हाँ जी, फैला रहे क्यों नहीं है, छोकर से क्या खुल जी है जी, हाँ बत्ती यहाँ से सवेरे चिराग बत्ती करना, वहाँ जैसे ही रात के बर्तन जो टिठाए यहाँ से निशान साहब से। हाँ जी, हाँ जी, तो वो तो कह रहे हैं आरोप बेबुनियाद है, हम जी बुनियाद कर रहे हैं ना श्री मान जी, तभी तो बता रहे हैं हम आपको, सच बता रहे हैं हम आपको, जो जो थोड़े ना बोल रहे हैं, भगवान के मंदिर में ऐसा गलत काम कर रहे हैं यहाँ जी ने। हाँ जी, तो क्या आप चाहते हैं? बस ये खाली हो, ये खाली होना चाहिए जी यहाँ से, बस हमने मंदिर खाली चाहिए जी यहाँ से। हाँ जी, जिसने खतरा अपने घरों बैठा जी, मार के मत बन लिया
लेकिन आप चाहते हैं कि वाल्मीकि बरादरी के मंदिर पे कोई नहीं आना चाहिए? हाँ बिल्कुल जी। पुलिस का तो कोई मतलब ही नहीं है श्रीमान जी, यहाँ से पुलिस का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ से। सरपंच तो क्या है, सरपंच से बोल जाए जी, मान लीजिए मर्द उठो जोर से, कहा सरपंच जो करो, न्यू कह रहा था जी, सरपंच कह रहा जो करना मेरा कर लियो कहा जी, सरपंच न्यू कह रहा था जो करना मेरा कर लियो कहा, कहा मैं धर्मशाला नहीं खाली करता, पर न्यू कह रहा था जी सरपंच कहा जो करना मेरा कर लियो, और सरपंच ने बुलाओ जी उरा, सीधी बात है जी, उन्हें बुलाओ उरा, सरपंच ने देख सकते हैं वो वाला मेरा कहा वो कर लियो कहा, करांगे मुक्का उरा बुलाओ जी सरपंच ने भी। तो आरोप काफी गंभीर यहां पर लगा रहे हैं। बाल छप्पर में एक काफी समय पहले एक विवाद यहां पर हमले हुए थे, जिसको लेकर के एक टेम्परेली एक चौकी यहां पर बनाई गई थी, पुलिस चौकी बाल छप्पर के नाम से, थाना छप्पर थाने के अंतर्गत आती है, और काफ़ी गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए, पर पुलिस का यही कहना था कि हमारी तरफ से कोई भी पवित्रता भंग नहीं की गई, पर गांव वालों के भी जो आरोप है वो भी कहीं ना कहीं साफ आप देख सकते हैं, पूरा गांव तमाम एक ही बात यहां पर कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारे मंदिर की पवित्रता को भंग किया जा रहा है। आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो इन्वेस्टिगेशन जाँच के उच्च अधिकारियों की जाँच के बाद ही पता लगेगा। क्या फिलहाल मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।